कार्तिकेय सिंह पर धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजू सिंह की पत्नी का कार्तिकेय पर बड़ा आरोप, केस वापस लेने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है। ये दिव्या जी का कहना है, जो जेल जाकर राजू सिंह पर भी दबाव का आरोप लगाए। राजू सिंह अपहरण केस में दरअसल कार्तिकेय सिंह फरार हैं और इस पूरे मामले में अब खबर सामने ये आ रही है कि जो पीड़ित हैं उन्हें धमकी दी जा रही है। कार्तिकेय सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया, राजू सिंह की पत्नी दिव्या ने यह बड़ा आरोप लगाया, केस वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल जेल जाकर राजू सिंह पर भी दबाव का आरोप लगाया गया। जिस राजू सिंह के अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह फरार घोषित हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ दिव्या सिंह मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। दिव्या जी, आपने कोर्ट को लेटर भी लिखा है, पटना हाई कोर्ट के जज को, कि खतरा है उनको, लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है केस वापस लेने का, क्या कुछ मामला है? लोग देख रहे हैं कि नहीं उन पे केस है और सब चीज़ है, तब मजबूरन आके वो इस्तीफ़ा देते हैं। और ठीक इस्तीफ़ा एक दिन बाद जब उनका बेल रिजेक्ट हो जाता है, जो वारंट है वो जारी रहता है उनके खिलाफ, तो वो गायब भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जब ये केस सामने आया तब मेरे हस्बैंड जो बेउर जेल में है अभी, जानबूझ के उनको केस के सिलसिले में फंसाया भी गया है ताकि वो इस मैटर के खिलाफ बोल ना सके, क्योंकि उन पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पर जानबूझ के उनको फंसा दिया गया है। और मुझ पर इतना दबाव बनाया गया, उन पर इतना दबाव गया बनाया जा रहा है, चार गाड़ी से लोग जाते हैं बेउर के अंदर भी लोग गए थे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, चार गाड़ी से लोग गए और जेल प्रमाइसिस के अंदर गाड़ियां लगती है, जबकि आज तक उनके परिवार वालों को ये अनुमति नहीं हुई कि आप जाके उनसे मिलिए, पर चार गाड़ी से लोग जाके उनसे मिलते हैं और सीधा केस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते हैं कि आपको हम लेटर दे रहे हैं, आप साइन करिए और वापस हमें दीजिए, आपको तो यहीं रहना है। और सबसे करीबी जो उनके आलोक सिंह माने जाते हैं, वो तो खुल के कहते हैं कि अगर राजू सिंह कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। क्या बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? आपको भी फोन कॉल्स आ रहे हैं, आपने जो कहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है उधर से? सीधा यही कहा जा रहा है कि देखिए कानून मंत्री हैं वो, आपको भी यही रहना है और सारी चीज़ें होनी हैं, तो इससे अच्छा है कि इसको आगे बढ़ने से अच्छा है कि इस कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, इसको ख़त्म करिए कहानी को, वरना आप दिक्कत में आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पावर पोजिशन तो हमारे पास है ही, आप दिक्कत है कि जेल में भी सुरक्षित नहीं है आपके पति? फिलहाल जब जेल में चले गए और वहाँ पे लोग मिलने आ गए तो बहुत दिक्कत की बात लगी मुझे, और जब जेल ट्रांसफ़र तक होने जा रहा था तब मुझे बहुत डर लगने लगा कि शायद कुछ भी हो सकता है, पर अभी जेलर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि नहीं सुरक्षित रहेंगे, आप चिंता ना करें। कार्तिकेय सिंह से कोई बात हुई है आपकी अभी तक इस पूरे मामले में? कभी उनका कॉल आया हो या कभी उनसे सीधे बात हुई? नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कभी मुझसे बात नहीं की है, वो अपने आदमी भेजते थे, मेरे पति के पास भी उनके आदमी ही गए हैं और मेरे घर पर भी उनके आदमी ही आए हैं उनका नाम लेकर कि हम कार्तिक सिंह के आदमी हैं, आप इस केस में समझौता कर लीजिए आप। तो बिल्कुल, ये आप देखा कि किस तरह से डरी हुई है, खास करके जो पूरा मामला है और खास करके मंत्री रहते जिस तरह से पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया है कि वो जेल तक गए और वहाँ पर दबाव बनाया गया राजू सिंह पर केस वापस लेने का, तो ये तमाम मामले ऐसे हैं जिसको लेकर अब पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, पटना। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था, इस बीच पुलिस उनकी तलाश में उनके घर और पैतृक गांव पहुंची, हालांकि दोनों ही जगह वो मिले नहीं, जिसके बाद अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को होनी है, लेकिन अगर उससे पहले कार्तिकेय सिंह फरार घोषित किए जाते हैं तो उनकी तलाश में गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है।